Assalamualaikum viewers, this is Kamar Malik and you are watching IT Expert. हमारे पास यहाँ पर CCTV इंस्टॉल हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि यहाँ पर क्या कुछ कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, कौन सी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, किस तरह से इंस्टॉलेशन हुई है। इंशाल्लाह कंप्लीट आपको इस वीडियो में मैं गाइड करूँगा। तो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल का आइकन भी दबाएँ ताकि मैं अपनी जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कैबिनेट की। यहाँ पर हमारे पास जो कैबिनेट यूज़ किया गया है वो है 52U का। ये रैक है, काफ़ी बड़ा रैक है, इसमें हम इजीली केबल्स को मैनेज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें स्विचेज़ और NVR डिवाइसेज जो हैं ये खूबसूरत तरीके से इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो NVR यूज़ किए गए हैं वो 16 चैनल के NVR हैं, और हमारे पास उसके बाद स्विचेस जो हैं वो दो स्विचेस यहाँ पर यूज़ हुए हैं जो कि 24 पोर्ट के स्विच हैं। ये पावर ओवर इथरनेट POE स्विच हैं, गीगा के स्विच हैं, इनमें डेटा जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र होता है, और जो कैमरों के लिए जो पावर दी जाती है वो इन्हीं स्विचेस से ही जाती है, हमें अलग से अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये POE स्विच है। POE स्विच का यही फ़ायदा होता है कि हमें अलग से कैमरे के लिए अडाप्टर नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ाइबर केबल यूज़ की गई है। ये फाइबर पैच कार्ड हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से एक फ़ाइबर पैच कार्ड इस स्विच में लगा है, इसका दूसरा जो पॉइंट है दूसरी साइड आपकी आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरे स्विच में जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे स्विच में इसका दूसरा पोर्ट इसके कनेक्ट है। इस तरह से हमने दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो पैच पैनल यूज़ किया गया है 24 पोर्ट का पैच पैनल है। इस पैच पैनल में ही जो हमारे पास CCTV में से CCTV कैमरा से जितनी भी केबल्स आ रही हैं यहाँ पर आके पैच पैनल में पंच की गई हैं पहले, उसके बाद एक पैच कॉर्ड की मदद से स्विचेस में कैमरों को कनेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैच कार्ड आपको नज़र आ रहा है इसमें CCTV जितने भी कैमराज आ रहे हैं वो यहाँ पर इस पैच कार्ड में हमने यहाँ पर पंच किए हैं, उसके बाद इस पैच पैनल में पंच किए हैं, और उसके बाद एक पैच कार्ड की मदद से स्विचेस में कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने एक UPS भी यूज़ किया है, UPS ताकि बैकअप के लिए अगर बिजली चली जाती है तो CCTV हमारे ऑन रहेंगे। यहाँ पर चार बैटरीज और एक UPS हमने यूज़ किया है, आई थिंक ये 2000 वाट का UPS है जो कि तकरीबन 2-2.5 घंटे बैकअप दे देता है। तमाम कैमरे अगर चल रहे हों तो तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये बैकअप हमें दे देता है। उसके बाद हमारे पास जो LCDs यूज़ की गई हैं वो 42 इंच की एक LCD है, हर NVR के साथ अलग से एक LCD लगाई गई है। तो अब मैं बैक साइड पे आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से किस तरह केबल्स वगैरह कैसे मैनेज हुई हुई हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो केबल्स आ रही हैं NVR में आ रही हैं, एक एक केबल स्विचेस में से एक एक केबल आई है और NVR में कनेक्ट है। इस तरह से तमाम जो है NVR आपस में कनेक्ट हैं, स्विचेस में एक केबल गई हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पैच पैनल है, पैच पैनल में कनेक्ट हुई हुई है और दूसरी साइड पे आ रही है स्विचेस में।
आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कैबिनेट में 4 पंखे यूज किए गए हैं कूलिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।